आपकी क्राइम जज बन सके। जी जी, सबसे पहले तो मैं बाबा साहब को नमन करना चाहता हूँ जिनकी आदर्शों को, सिद्धांतों को आदर्श मानते हुए इस मुकाम तक पहुँचे हैं हम, और उसके बाद में यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण और मेरे प्यारे ग्रामवासियों का धन्यवाद करता हूँ जो अपना कीमती टाइम निकाल कर यहाँ आए। मैं आज बहुत ही सम्मान और गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ आपके द्वारा सम्मानित होकर। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी प्रारंभिक शिक्षा 12th तक गांव से ही, प्राथमिक गांव से प्राप्त की और 12th भी सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद क्लैट के थ्रू मेरा गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। वहाँ मैंने BSc LLB की, उसके बाद LLM किया और उसके बाद 2 बार नेट क्वालिफाई किया, JRB मिला मुझे, और उसके बाद मैंने तैयारी की जुडिशियल सर्विस की। और फर्स्ट अटैम्प्ट मेरा यूपी में रहा था, उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था लेकिन किसी कारणवश सफल नहीं हो पाया। तो उसके बाद थोड़ा निराश हुआ, घर वालों ने बहुत समझाया, घर वालों को काफ़ी उम्मीदें थी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आपके घर वालों को अगर आपसे उम्मीद हो तो आपको बहुत हौसला मिलता है। तो जब मैं निराश हो रहा था तो मेरे पिताजी मेरे पास आए, चाची जी आए, तो उन्होंने कहा कि ये तो पहला ही प्रयास था, अभी तो बहुत जीवन है, बहुत मेहनत करनी है और आगे भी बढ़ना है। तो मैं उससे सीख ली और मैंने दोबारा से अच्छे से तैयारी की और मैं सफल हुआ। तो उसके लिए मैं परिवार वालों का और ग्रामवासियों का धन्यवाद करना चाहता हूँ। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल क्या होता है, जो बच्चे होते हैं वो एक दो बार फेल हो गए हिम्मत हार जाते हैं। तो मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि जो एक दो परीक्षा जीवन का पार्ट नहीं होता, पार्ट ऑफ लाइफ नहीं होता, वो एक आपका हिस्सा होता है जीवन का। तो आप उससे आगे निकले और हिम्मत करें और आगे बढ़े। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ, जैसे कोई गंगा होती है, जैसे गंगा है, गंगा नदी है, जैसे कोई नदी होती है, उसके रास्ते में कितनी रुकावटें आती है, पहाड़ों से भी आती है, फिर प्लेन में चलती है, वो जाके उसका लक्ष्य अड़िग होता है, उसे समुद्र में मिलना होता है और वो अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। क्यों पहुंचती है? क्योंकि वो लगातार चलती है, कंटिन्यूसली चलना बहुत जरूरी होता है। और जो आदमी और जो बच्चे कंटिन्यूसली मेहनत करेंगे, लगातार मेहनत करेंगे, वो कभी पीछे नहीं हटेंगे और वो हमेशा सफल होंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ सभी शिक्षकगण बैठे हैं तो मैं उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि जो गरीब बच्चे पढ़ते, आजकल जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं वो ज़्यादातर गरीब बच्चे ही होते हैं, तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि उनका सही मार्गदर्शन करें, उन्हें गाइड करें, क्योंकि जो 12th तक जो गाइडेंस होती है वो बच्चे के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो माता पिता जो होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, ये हम सभी को पता है। तो जो शिक्षक होते हैं वो उन्हें मोटिवेशनल स्टोरी सुनाए, उन्हें प्रेरणा दे आगे बढ़ने की और उन्हें अच्छे से पढ़ाए भी। आजकल क्या होता है, सभी कहते हैं कि प्राइमरी स्कूल में कोई अपने बच्चे को नहीं पढ़ाना चाहता, क्योंकि सभी को लगता है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होती। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उनकी इस जो उनका एक मेंटलिटी है, आप उसको चेंज करें, आप उनको अच्छे से पढ़ा के, क्योंकि मेरी भी प्राथमिक शिक्षा यहीं से, गाँव से शिक्षा प्राप्त की मैंने और सरकारी स्कूल से ही की। 12th तक मेरा हिंदी मीडियम ही था, तो जब मैं यूनिवर्सिटी में गया तो वहाँ एकदम अलग ही माहौल था, वहाँ सब इंग्लिश था। तो जब पहली बार क्लास में गए तो एकदम अलग ही माहौल था, सब इंग्लिश में बोल रहे थे तो कुछ पता नहीं चला, क्योंकि बुक में इंग्लिश पढ़ी है 12th तक, लेकिन वो पढ़ना और वहाँ पर जो स्पीच होती है क्लासिक इंग्लिश में होती है वो एकदम बहुत ही डिफरेंट हो गया। तो हमारे साथ के हम टोटल 8 बच्चे थे जो हमारे बैच से हिंदी मीडियम के, तो उनमें से 4 बच्चों ने तो छोड़ दिया क्योंकि माहौल एकदम देख के बहुत ही डिफरेंट माहौल था, तो ही कर नहीं पाए। तो हमारे पास 2 ऑप्शन रहते हैं, आपके पास आपके जीवन में हमेशा ऑप्शन रहते हैं, 2 ऑप्शन तो हमेशा ही रहते हैं, तो वो आपको चूज करना होता है कि आपको आगे बढ़ना है या पीछे हटना है। तो मेरी तो उम्मीदें बहुत, घर वालों को काफ़ी उम्मीदें थी मेरे से, हमारे चाचा जी है वे अभी यहाँ पर नहीं है, श्री सतीश कुमार जी, उन्होंने मार्गदर्शन किया और उनकी काफ़ी उम्मीदें थी, तो मैंने कभी ये वहाँ से छोड़ने के बारे में सोचा भी नहीं, क्योंकि घर वालों की इतनी उम्मीदों से भेजा था तो वापस आने का तो कोई चांस ही नहीं था, सोचा भी नहीं इस बारे में। तो फिर मेहनत भी खूब की, लाइब्रेरी हमारी रात को 12 बजे तक खुलती थी, वहाँ पढ़ाई की अच्छे से, और शुरू में फर्स्ट सेम हमारे टोटल 10 सेमेस्टर हो गया, 10, तो फर्स्ट सेमेस्टर में 46 मार्क्स आए, 46%, तो लगा कि थोड़े कम है, बहुत ज़्यादा कम है। तो चाचा को बता, पर उन्हें बताते हुए बड़ा दुख हुआ, क्योंकि उन्हें ये ना लगे कि जो मैंने निर्णय लिया था, डिसीजन लिया था इसे वहाँ बच्चे को वहाँ भेज के, वो गलत तो नहीं था,
तो मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट था वो, फर्स्ट टाइम था ये, आगे मेहनत करो। तो फिर सेकंड सेमेस्टर में वहाँ समझ में आता रहा अगर आप मेहनत करते हो, क्योंकि अगर आप चलना शुरू करते हो तो मंजिल तो जरूर ही मिलती है। तो सेकंड सेमेस्टर में आए 56%, थर्ड में 60 और फोर्थ में 68% आए और लास्ट में 78% तक भी आए। और जो सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है इनकम टैक्स, उसमें मैं टॉपर था अपने बैच में पूरे में। मैं आप सभी जो यहाँ पर व्यक्ति बैठे हैं, पीछे बच्चे बैठे हैं गांव के, उनसे निवेदन करता हूँ और उन्हें बताना चाहता हूँ कि आप लगातार मेहनत करें। एक दो बार अगर कोई बच्चा फेल भी हो जाता है तो उसमें घबराने की कोई बात नहीं, आप लगातार मेहनत करो तो आप जरूर सफल होंगे। और दूसरा मैं निवेदन करता हूँ सभी से जो लोग यहाँ पर उपस्थित है कि वो जो भी अगर आपके आसपास कोई बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है तो आप उसको जरूर सहारा दें, उसकी हेल्प जरूर करें। क्योंकि कोई भी आप किसी भी व्यक्ति को देख लीजिए जो सफल आदमी हुए हैं, एक तो उनकी लाइफ में स्ट्रगल तो सभी की लाइफ में होती है, स्ट्रगल इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, वो तो सभी के जीवन में होता है। और जैसे हमारे बाबा साहब जी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आप उन्हें पढ़ोगे तो बहुत ही उन्होंने बहुत ही मेहनत की है, तो और सारा भी उन्हें सबका मिलता ही है, उनके परिवार का मिला है और किसी का भी सारा मिलता है। जैसे बाबा साहब को स्कॉलरशिप मिली थी, तो अगर आपको भी मौका मिलता है तो आप जरूर हेल्प कीजिए जो बच्चा आपके आसपास है और उसकी सहायता कीजिए। तो मैं आखिर में आपको फिर से धन्यवाद करता हूँ, आप अपना बहुमूल्य समय निकाल कर यहाँ आए और आज ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान और गौरव का विषय है। धन्यवाद। आपके अच्छे विचार।